To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, अभी के क्लांस में मैं आपको गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले क्लास में हिमालय से निकलने वाली तमाम प्रकार की नदियों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की विशेषताओं का उल्लेख भी किया गया है। इसके पिछले क्लास में सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख भी किया गया। वर्तमान क्लास में मेरे द्वारा गंगा नदी तंत्र के विशेषताओं की जानकारी आप तमाम लोगों को दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी एवं पतित पावनी नदी है। गंगा नदी का न केवल हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि इसका पौराणिक एवं धार्मिक महत्व भी है। गंगा पवित्र नदी है, मोक्षदायिनी नदी है एवं गंगा नदी का एक बहुत बड़ा भाग हम आंतरिक जलमार्ग के रूप में, आंतरिक परिवहन के रूप में भी इसका एक बहुत बड़ा भाग उपयोग करते हैं। गंगा का महत्व हमारे देश के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक तो है ही है। वर्तमान समय में औद्योगिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों एवं आंतरिक जलमार्ग के रूप में इस गंगा नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा का उपयोग हम अपने देश के विकास के लिए करते हैं। सदियों प्राचीन यह गंगा नदी का महत्व हमारे देश के लिए एक जीवन लाइफलाइन की तरह है, जीवन रेखा की तरह है। गंगा का अस्तित्व हमारे देश के साथ सदियों पुराना है, लेकिन वर्तमान समय में यह जो गंगा नदी कई प्रदूषण के कारण जो है इस अविरल धारा में कई प्रकार के बदलाव आया है। अगर यह गतिविधियां लगातार जारी रही तो लगता है कि यह हमारे पुण्य देश भारत से इस गंगा नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण नदी जो जीवन रेखा नदी है, इस गंगा नदी की जो है अविरलता, स्वच्छता, निर्मलता को बनाए रखने का जो है प्रयास करना चाहिए। इस तरह से गंगा नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भूभाग से यह निकलती है, उद्गम होती है और पूरब की ओर जो है भारतीय भूभाग पर यह प्रवाहित होती है। इस तरह से गंगा नदी की मुख्य धारा जो भागीरथी धारा है या भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यह भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकल करके आगे उत्तराखंड में अलकनंदा एक नदी का नाम है, जहां यह देवप्रयाग में यह मिल जाती है। इस तरह से गंगा हरिद्वार नामक स्थान पर पर्वतीय भाग को छोड़कर के मैदानी भाग में जो है प्रवाहित होती है। वैसे तो हिमालय से कई नदियां निकलती है, गंगा नदी की बात हो, यमुना नदी की बात हो या सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो, तो हिमालय से कई निकलने वाली जो नदियां हैं वह गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यह तमाम नदी जो है हिमालय से निकलती है और गंगा में आगे जाकर के जो है मिल जाती है। इस तरह से गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। वह सहायक नदी यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी है और यह नदी गंगा की सहायक नदी कहलाती है। गंगा नदी के दाहिने ओर अर्थात
यमुना नदी जो है गंगा नदी के दाहिने ओर अमनोत्री से निकल करके, अमनोत्री हिमानी से निकल करके या गंगा नदी के समानांतर जो है आगे बढ़ती है। गंगा नदी के दाएं ओर यमुना नदी अमनोत्री से उद्गम होती हुई समानांतर दिशा में या आगे बढ़ती हुई इलाहाबाद में जो है यह गंगा नदी से मिल जाती है और वहां पर यह संगम का निर्माण करती है। उसी तरह से जो है नेपाल हिमालय से कई नदियां निकलती है और इन नदियों में घाघरा गंडक कोसी नदी है और यह नदियां प्रत्येक वर्ष अपने साथ भारी मात्रा में मल और जल अर्थात गाद और जल लाती है। इन नदियों में अथाह पानी आने से भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग अर्थात जो है बिहार का उत्तरी भूभाग हमेशा जल प्लावित होती है, भयानक बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है। इन नदियों के द्वारा लाए गए अथाह पानी से बहुत बड़ी जो है प्राकृतिक त्रासदी बाढ़ के रूप में आती है जिससे बड़े व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। वहीं बाढ़ केवल अभिशाप नहीं वरदान भी है। इन नदियों के द्वारा लाए गए उपजाऊ गाद एवं जो है खादर के रूप में महीन मृतका को जो है भूमि के ऊपर बिछा करके हमारी भूमि को उर्वर बनाने में जो है उपजाऊ बनाने में इन नदियों का एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। इस तरह से इन नदियों के द्वारा हिमालय से निकलने वाली एवं गंगा की तमाम जो सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है वह भारी मात्रा में गाद एवं जल लाती है जिससे हमारे देश की भूमि को उर्वर बनाने में उपजाऊ बनाने में जो है एक बहुत बड़ा जो है कार्य के रूप में इन नदियों का योगदान रहा है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार से भारत के प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिमी भाग से पश्चिमी घाट से कई नदियां निकलती है और यह नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी होती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल बेतवा सोन नदी है और यह चंबल बेतवा सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यह तमाम नदी जो है अर्ध शुष्क प्रदेश से निकलती है इसलिए इन नदियों की लंबाई कम होती है, जल की मात्रा कम होती है और धारा भी जो है बहुत कम होता है। इस तरह से यह गंगा नदी अपने बाएं एवं दाएं दिशा से दोनों ओर से निकलने वाली तमाम सहायक नदियों के साथ मिलकर के एवं उसके जल को लेकर के यह आगे बढ़ती है, पूरब की ओर आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का जो एक बैराज है जो गंगा नदी पर बनाया गया है जो कभी बिहार को बाढ़ की त्रासदी के लिए जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था लेकिन आज यह फरक्का बैराज हमारे राज्य बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए नहीं बल्कि त्रासदी का एक कारण बना है और यह त्रासदी नदियों के द्वारा नहीं बल्कि मानवीय जो है भूल के कारण ऐसा हुआ है। आज जिस तरह से नदियों के तलहट में गाद जमता जा रहा है उसकी चौड़ाई जो है गहराई कमती जा रही है और उसका पानी जो है प्राकृतिक बांध को तोड़ करके इतर तितर फैल रही है जिससे बाढ़ की समस्या आ रही है। अगर मानवीय संसाधन के द्वारा मानवीय प्रयास के द्वारा उचित टेक्नोलॉजी के द्वारा इन नदियों के तलहट में जमा तलछट को अगर हम निकाल दें, नदियों की तलहटी को गहराई अगर कर दें तो शायद इस बाढ़ से निजात मिल सकती है। इस तरह से जो है यह फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल में है यह सुंदरबन डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। यहां पर गंगा नदी जो है दो भागों में बट जाती है, इसकी धाराएं जो है दो भागों में बट जाती है। एक धारा जो दक्षिण की ओर होते हुए सुंदरबन डेल्टा के मैदानी भूभाग से आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसको भागीरथी उंगली कहते हैं।
भागीरथी उंगली, भागीरथी उंगली कहा जाता है। यह हरक्का बैराज के पास दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए जो है सुंदरबन डेल्टा के मैदानी क्षेत्र से गुजरते हुए अंत में जो है यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहीं जो गंगा की जो मुख्य धारा है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अपने से बड़ी जल राशि में अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मेघना बन करके जो है यह बंगाल की खाड़ी में आगे गिरती है और एक बहुत बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है। इस तरह से यह जो है गंगा नदी आगे चल करके जो है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के समा जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर के बराबर है, 2510 किलोमीटर लगभग है। और इस तरह से जो है सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक पर एक अंबाला नगर स्थित है। अंबाला नगर सिंधु एवं गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक पर स्थित है और अंबाला नगर से सुंदरबन तक, अंबाला नगर से सुंदरबन तक गंगा नदी की जो लंबाई है वह 1800 किलोमीटर है। और इन 1800 किलोमीटर की लंबाई में यह जो अंबाला नगर और सुंदरबन तक का जो डेल्टा है वह 1800 जो है किलोमीटर तक लंबा है। लेकिन इन लंबाई के क्षेत्र में गंगा नदी की ढाल की गिरावट बहुत कम है, मात्र जो है 600 मीटर जो है ढाल की गिरावट है। इस तरह से 1800 किलोमीटर की लंबाई में मात्र गंगा नदी की ढाल में गिरावट 600 मीटर होती है, अर्थात 6 किलोमीटर में मात्र जो है एक जो है मीटर इसकी ढाल की जो है गिरावट होती है। ढाल में कम होने के कारण गिरावट इसका जो है ज्यादा नहीं होने के कारण, लंबाई ज्यादा होने के कारण जो है पानी की मात्रा एवं गाद की मात्रा ज्यादा होने के कारण गंगा नदी जो है बहुत ज्यादा जो है विसर्प का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है। और यह विसर्प नदी की जो है दूसरी अवस्था में बनती है, मद की अवस्था में बनती है। और यह तभी बनती है जब ढाल में गिरावट बहुत कम हो, नदी का मार्ग बहुत लंबा हो और पानी एवं गाद की मात्रा ज्यादा हो तो वहां जो है विसर्प का निर्माण ज्यादा होता है, क्योंकि नदी अपने प्रवाह में जरा सा ऊंचा भूभाग को जब वह पाती है तो अपनी धारा को वह जो है मोड़ लेती है दूसरी दिशा में। इस तरह से नदियों के बार बार मार्ग बदलने के कारण जो है टेढ़े मेढ़े मार्ग बदलने के कारण यह विसर्प का निर्माण होता है। इस तरह से गंगा नदी में भी जो है कई बड़े बड़े विसर्प का निर्माण होता है। ग्रीकार्थ के रूप में जो है आप नोट कर लें, सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें एवं साथ ही साथ गंगा की सहायक नदियों का भी नाम लिखें। धन्यवाद।